हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टेक्नो हिस्ट्री टीवी पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आज मैं आप लोगों की डिमांड पर लेकर आया हूँ, क्योंकि आज सुबह मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पर एक पोल डाला था, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप अर्तगल गाजी के किस किरदार के बारे में वीडियो देखना पसंद करेंगे। आप में से लगभग 75% लोगों ने सुल्तान अलाउद्दीन के बारे में जानना चाहा, तो ये वीडियो खास तौर पर आप लोगों के लिए ही है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने अर्तगल गाजी सीरियल में सुल्तान अलाउद्दीन का नाम तो कई बार सुना होगा, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सुल्तान अलाउद्दीन कौन थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अलाउद्दीन 1188 को पैदा हुए थे और 1237 को वो इस दुनिया से रुखसत हुए थे। आपने सलजुक सुल्तान, जो कि रूम की सल्तनत थी, वहाँ पर हुकूमत की थी और इन्होंने 1220 से लेकर 1237 ईस्वी तक हुकूमत की थी। ये सलजुक सल्तनत के बहुत ही सफल सुल्तान रहे हैं। दोस्तों, इनको आलिये का लकब मिला था। सुल्तान अलाउद्दीन को कभी कभी कोबार्ट द ग्रेट भी कहा जाता था। दोस्तों, इनको अपनी बेहतरीन आर्किटेक्चरल लेगेसी और इनका जो बेहतरीन इंतज़ाम था, उसके लिए आज भी इन्हें याद किया जाता है। इनके वालिद का नाम केकोस वन था, जो इनसे पहले सलजुक सल्तनत के सुल्तान थे। सुल्तान अलाउद्दीन की 48 साल की उम्र में वफात हुई थी और इनका पूरा नाम अलाउद्दीन कायकोबाट कायकोबास है। ये हाउस ऑफ सलजुक से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन एक बहुत ही अच्छे सुल्तान हुए हैं और इन्हें आज भी लोग याद करते हैं। इन्होंने अपने सल्तनत के हर एक शख्स की मदद की है, कभी किसी को सताया नहीं था। लोग भी इनसे काफ़ी प्यार करते थे और ये एक महान शासक हुए हैं। दोस्तों, इतिहास में इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना भी इकट्ठा हो सका मैंने आपको इस वीडियो में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।